मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ एक नए वीडियो के लेकर। आज का वीडियो है उन प्रोडक्ट के बारे में जो सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो सर्दियों में कई तरीके के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हीं में से एक प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे और कई लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला ये प्रोडक्ट है, ब्लैंकेट जो गर्मी देता है इलेक्ट्रिसिटी से। ये प्रोडक्ट खासकर हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पहाड़ों पर इस्तेमाल किया जाता है या फिर ऐसी जगहों पर जहां पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स लो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स लो होते हैं तो हेल्थ को लेके काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, और जिन लोगों को पहले से ही कुछ समस्या है, जैसे कि जॉइंट्स पेन हो या फिर बैक पेन हो, ये सारी दिक्कतें सर्दियों के समय बढ़ जाती है, वहाँ पर डॉक्टर्स भी इस तरीके के प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर किस तरीके की कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए हैं, और गर्म रखने के लिए कौन सा प्रोडक्ट इसमें लगाया गया है, कितना सेफ है प्रोडक्ट, किस तरीके की इसकी वायरिंग है, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम देखेंगे वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तीन तरह के इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट आते हैं। पहला जो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट होता है वो अंडर ब्लैंकेट कहते हैं, यानी कि वो ब्लैंकेट जिसे हम मैट्रेस के ऊपर बिछाते हैं और उसके ऊपर बेडशीट डाल के हम उसके ऊपर लेट सकते हैं। दूसरा जो इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट आता है उसे हम ओवर ब्लैंकेट कहते हैं, जिसे ओढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिछाने के लिए नहीं, ओढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो तीसरा इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट होता है वो दोनों ही पर्पज़ के लिए होता है, यानी कि उसे हम बिछा भी सकते हैं और उसे ओढ़ भी सकते हैं। आज हम जिस ब्लैंकेट की बात करेंगे वो एक अंडर ब्लैंकेट है। वैसे तीनों ही ब्लैंकेट में जो अंदर के जो वायरिंग इस्तेमाल होती है, जो हीटिंग एलिमेंट इस्तेमाल होता है, वो तीनों में ही सेम होता है। देखिए, ये है अंडर इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट, यानी कि बिछाने वाला ब्लैंकेट, और ये इसकी पावर कॉर्ड है। साथ ये इसका कंट्रोल बॉक्स है जहाँ से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें पोजीशन है ऑन ऑफ करने की, और साथ ही पोजीशन है हम सेलेक्ट कर सकते हैं लो हीट पोजीशन के लिए, हाई हीट पोजीशन के लिए, यहाँ से सिलेक्शन है। ये अलग अलग साइज़ों में आता है ये इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट, सिंगल बेड और डबल बेड इस तरीके के साइज़ आते हैं इसमें। देखते हैं इस कंट्रोल बॉक्स के अंदर क्या है, कंट्रोल बॉक्स के अंदर कौन से कंपोनेंट है और किस तरीके के कंपोनेंट यहाँ पर फिट हैं, वायरिंग कैसे है। चलिए इस कंट्रोल बॉक्स खोल के देखते हैं। देखिए, ये इसका सिलेक्शन वाला नॉब है जो अलग अलग पोजीशन के हिसाब से इसके कॉन्टैक्ट्स बनाता है, लो हीट पोजीशन के लिए, हाई हीट पोजीशन के लिए, और साथ में ही ऑफ वाली जो पोजीशन रहती है। इसके अंदर ये एक डायोड लगा हुआ है और बाकी के कॉन्टैक्ट्स पॉइंट्स हैं, बाकी सिंपली एक वायर है और इंडिकेटर लैंप लगा हुआ है, यानी कि एलईडी लैंप लगा हुआ है ऑन ऑफ पोजीशन इंडिकेट करने के लिए। देखिए, ये इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट पहले से ही खोल दिया है अंदर देखने के लिए कि इसके अंदर क्या चीज़ है जो इसे गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये इसका जंक्शन पॉइंट है, एक छोटी सी पीसीबी लगी है, और इस पीसीबी को केवल इस्तेमाल किया गया है कनेक्शन के लिए, जो अंदर की वायरिंग है और जो पावर सप्लाई की जो वायर्स आ रहे हैं उसको कनेक्ट करने के लिए, ये केवल जंक्शन पॉइंट है। और खोलने के बाद देखिए इसके अंदर इस तरीके से स्टिचेस हैं, और स्टिचेस इस तरीके से किए गए हैं ताकि इसके अंदर के वायर इसी पोजीशन में फिक्स रहे। अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है, यानी कि जो वायर इस्तेमाल किया गया है हीटिंग के लिए, वो एक ही पोजीशन में फिक्स रहे, इसीलिए साइड से सिल दिया गया है, स्टिचेस हैं। ये वाइट कलर से जो वायर दिख रहे हैं यही हीटिंग एलिमेंट है। वायर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस तरीके से ये
वायर का लेआउट किया गया है। ये इसका पहला हिस्सा है, पहला लेआउट का हिस्सा है। ये आगे का लेआउट है, इस तरीके से ये जो इसका दूसरा वायर एंड जो है वो दोबारा से इस पीसीबी के जंक्शन पॉइंट में मिलता है। ये एक हिस्सा है इसके वायरिंग का। दूसरा जो वायर का हिस्सा है वो देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, और इसका लेआउट इस तरीके से है, यानी कि ऊपर की तरह का ऊपर की तरफ ये लेआउट किया गया, यानी कि दो हिस्सों में ये वायरिंग है। देखिए ये जो दूसरा वायर इसका जाके दोबारा से जंक्शन पॉइंट में यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि दो हिस्सों में वायरिंग की गई है, एक ऊपर और एक नीचे हिस्से में डिवाइड किया गया है, और ये दोनों जाके इस जंक्शन पॉइंट में मिलते हैं। वायर इस्तेमाल किया गया है इसमें, हीटिंग एलिमेंट वायर है, और इस तरीके का वायर होता है जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। हाई रेजिस्टिविटी होने के कारण ये जो वायर है जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करता है तो ये वायर जो है हीट प्रोड्यूस करने लगता है, और ये जो पावर कंज्यूम करता है वो लगभग 60 वॉट के आसपास इसका पावर कंजम्पशन रहता है।